आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी। हम फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। हम मतलब मैं आरजी नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज, आपके अपने एस एफएम पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मोहित ने कुशल को रोशनी की तहकीकात करने में लगा दिया। चलिए जानते हैं कुशल की इस तहकीकात से उन्हें रोशनी के बारे में क्या पता चला। इस मजेदार ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इसका नाम है आ बैल मुझे मार। कुशल ने अपनी छानबीन पूरी की और एक लंबी सांस छोड़कर मोहित से कहता है, सर उसकी सोशल मीडिया में कुछ खास गतिविधि नहीं है, सिर्फ लिंक्डइन पर उसकी थोड़ी बहुत पोस्ट की हुई है अपने करियर को आगे ले जाने के लिए। वहाँ पर उसका जो बायोडेटा है वो बिल्कुल रेखा परमार के दिए हुए बायोडेटा से मेल खाता है। मोहित पूछता है, और फ्लिपबुक पर? कुशल कहता है, सर मुझे उसकी वहाँ कोई प्रोफाइल नज़र नहीं आई। मोहित पूछता है, डेटिंग ऐप्स पर? कुशल कहता है, नेगेटिव सर, उसकी प्रोफाइल किसी भी डेटिंग ऐप पर नहीं है। मोहित पूछता है, रहती कहाँ है? कुशल उसे जवाब देता है, निवेदिता वर्किंग वुमेन हॉस्टल में। मोहित कुशल से कहता है, यस ऐसा करो, यहाँ की सभी वुमेन एस्कॉर्ट सर्विस कंपनीज में एक एडवर्टीजमेंट दो कि मेरे लिए एक महिला साथी की दरकार है। मुझे यकीन है कि ऐसे विमेन हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए रईसों के साथ रंगरलियां मनाने जाती हैं। ये पच्चलन भी ज़रूर ऐसा ही कुछ करती होगी और हमें इन एस्कॉर्ट कंपनीज से उनके बारे में ज़रूर जानकारी मिलेगी। अभी के अभी इन सभी एस्कॉर्ट कंपनीज में मेरे लिए एक एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दो। ऐसे ही न जाने कितने विचार मोहित के दिमाग में चले आते अगर कुशल त्रिवेदी ने सही वक्त पर टोक कर उससे ना कहा होता। सर मुझे नहीं लगता कि इस लड़की को जिमी कुकरेजा ने आपके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है। मुझे उसमें इतनी काबिलियत नजर नहीं आई, इतनी स्मार्ट नहीं है वो। बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? मोहित ने कहा, बको। कुशल ने कहा, मुझे लग रहा है कि आप इस लड़की को कुछ ज्यादा ही चालाक समझ रहे हैं। मुझे तो ये बिल्कुल साधारण लगी। माना कि देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसमें ना तो जासूसी करने की योग्यता है और ना ही जासूसी करने की हिम्मत। उसके पास अच्छा खासा मौका था कि वे आप पर अपनी जवानी का जादू चला सके, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं गौर कर रहा था कि जब वो आपकी गोद में भी आकर गिरी थी तब भी उसने अपने जिस्म से आपको लुभाने की कोशिश नहीं की। मोहित ने कहा, तो फिर वो मेरे ऊपर आकर गिरी ही क्यों? कुशल ने कहा, सर वो एक एक्सीडेंट था। उसने ऊंची हील की सैंडल पहनी हुई थी और आपके हल्के से झटके से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह आपके ऊपर गिर पड़ी। एक्सीडेंट माय फुट! मुझसे ज्यादा क्या तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में जानकारी हो गई है मिस्टर कुशल त्रिवेदी? मोहित ने कटाक्ष करते हुए कुशल से कहा। कुशल के पास अपने बॉस की इस बात का कोई उत्तर नहीं था। मोहित कुशल से आगे कहता है, बड़ी बारीकी से रोशनी तनेजा की तहकीकात करो, इस लड़की के हर कॉल को ट्रेस करो और उसके फोन में ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल करो। उसकी हर हरकत पर नजर रखना, वह कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उससे क्या बातें करती है। मुझे ये सारी जानकारी रियल टाइम पता होनी चाहिए। डू यू गेट माई पॉइंट? आई डू गेट योर पॉइंट सर, और मैं उस पर नजर रखने के सारे रास्ते इस्तेमाल करने को भी आपसे सहमति रखता हूँ, सिवाय उस एस्कॉर्ट सर्विस एडवर्टीजमेंट वाले आइडिया के। ऐसा करने से आपकी बदनामी होगी सर, जिसका फायदा यहाँ पर आपके दुश्मन लूटने से चूकेंगे नहीं।
बात दादू तक पहुंचेगी तो उन्हें बड़ा खराब लगेगा। एक बार सोच लीजिए, क्या अपनी नाक काट कर दुनिया को तमाशा दिखाने में कोई फायदा है? कुशल ने कहा। मोहित अपने असिस्टेंट की बात पर थोड़ा गौर फरमाता है तो कुशल त्रिवेदी का साहस बढ़ता है और वो कहता है, सर मुझे तो वो एक सीधी सादी लड़की लगी। जब आप उससे पूछताछ कर रहे थे तब भी वह सहजता से खड़ी आपके हर सवाल का लॉजिकल जवाब दे रही थी। इस कंपनी की हालत के बारे में तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि ग्रुप की दूसरी कंपनी से कोई कंपीटेंट आदमी इस पोजीशन के लिए अपना ट्रांसफर करवाता? वह अगर चाहती तो आपको बातों में उलझाने की कोशिश भी कर सकती थी। अपनी मीठी मीठी बातों से आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने बस आपके सारे सवालों का जवाब बिना घुमाए फिराए सीधी तरह से आपके सामने पेश किया। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वह कोई जासूस है। मोहित ने बेचैन नजरों से कुशल को देखा और कहा, मेरा विश्वास जीतना इतना आसान नहीं है कुशल। तुम नहीं जानते मुझ पर क्या क्या गुजरी है। मैं जानता हूं कि जैसे ही लोगों पर से मेरी शक की निगाहें हटी, उसी वक्त समझो कि मेरे साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटी। मुझे फिर से किसी के धोखे में आकर वापस विकलांग बनने का शौक नहीं है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि जिमी ने मेरे साथ पहले भी ऐसा करने की कोशिश की है। इन भोली भाली दिखने वाली चालू और खूबसूरत लड़कियों को मेरे बिस्तर तक भी पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे इन हसीनाओं पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं अब और धोखा नहीं खाना चाहता। मुझे यहां बहुत ही सतर्कता बरतनी है और हर कदम बहुत फूंक कर रखना है। कुशल त्रिवेदी ने अपना सर जोर से हां में हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि पहले भी कई बार ऐसे ही खूबसूरत लड़कियों को मोहित के पास जासूसी के लिए अब्रॉड भेजा गया था, जिन्होंने उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। यही कारण था कि रोशनी को भी मोहित एक जासूसी समझ रहा था। अगर कोई मोहित की नज़र से पूरे मामले को देखता तो समझता कि मोहित की ऐसी सोच रखना बिल्कुल भी गलत नहीं था। मोहित कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, अच्छा वो एडवर्टीजमेंट मेरे नहीं तुम्हारे नाम से निकाल दो। ऐसा करने से मेरा नाम भी नहीं आएगा और अपना काम भी हो जाएगा। मोहित की बात सुनकर कुशल को अपने सर के बाल खींचने की इच्छा होती है। उसने खुद से कहा, लॉर्ड साहब खुद को बहुत होशियार समझते हो, जानते नहीं कि तुम्हारा पाला मोहित कुकरेजा से पड़ा है। आ बैल मुझे मार की कहावत शायद ऐसे ही बेवकूफिया करने की वजह से गढ़ी गई है। अब इस विपदा से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी से खोजो, वरना ये सांड तुम्हारी बैंड बजा देगा। वो सोचने लगता है कि वो कैसे अपने सर आई इस बला को टाले। अंत में वो मोहित से कहता है, सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका पीए हूँ, आपका पर्सनल असिस्टेंट। लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि मैं ये काम आपके लिए कर रहा था। ऐसा करते हैं, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से ही इस काम को करने के लिए कहता हूँ, इसी में सबकी भलाई है। मोहित कहता है, अगर ऐसा करने से मुझे मेरे मन चाहे नतीजे मिलते हैं तो मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। गो अहेड। मोहित के शक्की और शातिर दिमाग का परिचय तो कुशल और उसकी बातचीत से मिल ही गया होगा। रोशनी के सिक्स सेंस ने पहली ही नजर में भांप लिया था कि मोहित कितना खतरनाक आदमी है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस बात को कोई भी भांप नहीं सकता। इस बात से एक और बात साबित होती है कि रोशनी भले ही मासूम दिखती थी, लेकिन इंसान की पहचान उसे बहुत अच्छे से करनी आती थी। अब देखते हैं कि कुशल का सिक्स सेंस कितना अच्छा है। क्या वो रोशनी को सही ढंग से पहचान पाया है? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आरजी नवनीता
और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ, और सुनते रहिए ये मजेदार ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस आपके अपने एस एफ एम पर।